आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया में लगे भारतीय जवान जिंदाबाद और चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद के नारे। चीनी सेना की कायरतापूर्ण कार्यवाही से आंदोलित संपूर्ण भारत और भारतीय सेना की बहादुरी पर गर्व करने वाले हम सभी भारतवासियों की अपनी सेना के साथ की एकजुटता को दर्शाने के लिए आज दोपहर झरिया के बाटा मोड़ में झारखंड प्रदेश ऑटो महासंघ के धनबाद जिला के बैनर तले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अर्थी निकाली गई, जिसका अंतिम संस्कार झरिया के 4 नंबर पर किया गया। चीन को उसकी औकात बताने एवं अपने शहीद सैनिक साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैनिकों की शहादत को नमन किया गया और भगवान से उनकी आत्मा को शांति के साथ उनके परिवार जनों को शांति एवं शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। शहीद अमर रहे के नारे से अंकुश गूंजमान रहा पूरा झरिया। वहीं लोगों से यह आग्रह किया गया कि चीनी सामान का अधिकाधिक बहिष्कार करें, साथ ही चीन को सबक सिखाने की बात कही। झरिया से मनोज साफ की रिपोर्ट। किया गया ये चीन का राष्ट्रपति का सुनने क्या उद्देश्य सही था कि हमारा बॉर्डर पर जो जवान को चोगलेपने नीति से मार दिया। हमारा तो जवान यहाँ गए थे जो पूर्व में समझौता हुआ था सिंधी समझौता के साथ, लेकिन दोगलापनी किया चीन, जिसका सपोर्ट पाकिस्तान भी कर रहा, उसको हम लोग भारत के जनता जितने भी हैं उनको सबक सिखाने के लिए भारत सरकार से अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि मुठभेड़ जवाब चीन को दिया जाए। ये 60 वर्ष के पहले का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। आज हमारे यहाँ बहुत आधुनिक हथियार हैं, उनको भारत सरकार यहाँ के सैनिक सबक सिखा देंगे। हमारे देश का जो जवान शहीद हुआ क्या उसका बलिदान का बदला अवश्य लिया जाएगा।